हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? होप सो आप सब बढ़िया ही होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो हमारा चैप्टर है यानी सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, राइट? तो इसलिए हम वर्किंग कैपिटल पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करने वाले हैं और इसको अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो बात डिस्कस करना चाहूँगा वो है नंबर वन कि वर्किंग कैपिटल जो हमारा मैनेजमेंट है वो कितने हिस्सों में बटा हुआ है। वर्किंग कैपिटल चैप्टर जो है हमारा वो चार हिस्सों में बटा हुआ है। नंबर वन वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, नंबर टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट, नंबर थ्री रिसीवेबल मैनेजमेंट, नंबर फोर कैश मैनेजमेंट। अब ये हमारा जो पूरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ये चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब हमें ये चार चैप्टर करने हैं। पहला वर्किंग कैपिटल फाइनेंस जो हम करने लगे हैं हम, नंबर दो इन्वेंट्री, दूसरा इन्वेंट्री, तीसरा रिसीवेबल मैनेजमेंट जिसको हम जिसमें इंक्लूड फैक्टरिंग भी होता है, चौथा और लास्ट होता है कैश मैनेजमेंट। इसमें मेनली थ्योरी ही है, राइट? तो इसके बाद अब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस पे। हम चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के ऊपर कैपिटल क्या होती है, फिर हम बढ़ते बढ़ते आगे आगे चलेंगे अपने कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिकल की ओर। अब जैसे कि आपको बता दें जो कैपिटल है वो दो तरीके की होती है। नंबर एक होती है जी फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या है? फंड्स रिक्वायर्ड टू फाइनेंस द फिक्स एसेट, राइट? और दूसरी एसेट हमारी होती है कैपिटल होती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स फंड्स रिक्वायर्ड टू मीट द डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन रिक्वायरमेंट। अब चलिए आराम से इस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं डिटेल में। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी जो कैपिटल है वो दो तरीके की होती है। नंबर एक होती है हमारी फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या है? जो फंड्स हमें रिक्वायर्ड है टू फाइनेंस द फिक्स एसेट। नंबर दो कैपिटल हमारी कौन सी है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? फंड्स रिक्वायर्ड टू मीट द डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। जो हमें फंड्स रिक्वायर्ड हैं टू मीट द डे टू डे बिजनेस रिक्वायरमेंट। अगर हम बात करें बिजनेस की, बिजनेस जब हम शुरू करते हैं, कोई भी नया बिजनेस हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हमें शुरू करते सर ही स्टार्ट के लिए हमें पहले कुछ फिक्स एसेट्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने जब नया अपना केसीसी ट्यूटोरियल जब हमने स्टार्ट किया था, उस समय हमने स्टार्ट के टाइम पे कुछ एसेट्स पहले सबसे पहले फिक्स एसेट खरीदी होंगी। फिक्स एसेट खरीदी जैसे कि चेयर्स, टेबल, डाइस, वाइट बोर्ड, राइट? और एसी हो गया, फर्नीचर हो गया और अदर एसेट लाइक दैट। तो मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमें कैपिटल अरेंज करनी पड़ी इन एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए। इन एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ा, राइट? क्योंकि जब तक हमारे पास एसेट नहीं होंगी तब तक आप बिजनेस को शुरू कैसे कर लोगे। जब तक हमारे पास बच्चे को, स्टूडेंट्स को बिठाने के लिए हमारे पास चेयर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, फर्नीचर वगैरह नहीं है, बैठने के लिए ऑफिस नहीं है, अगर कोई पेरेंट्स मिलने के लिए आते हैं, बच्चा पूछने के लिए आते हैं, तो हम कैसे उनको बात करेंगे, उनके साथ बातचीत कैसे करेंगे, राइट? उसके बाद अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पे आ जाओ, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनरी चाहिए, एसेट्स वगैरह चाहिए, मशीनरी चाहिए। अब वो मशीनरी कहाँ से आएगी? जो पैसा हम अरेंज करेंगे उस मशीनरी को फाइनेंस करने के लिए, उस एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। अब हमने जो उन एसेट्स में पैसा लगा दिया वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाया, राइट? तो उसके बाद हमारा फिक्स कैपिटल तो अरेंज हो गया, हमने एसेट्स तो खड़ी कर दी। उसके बाद हमने
अपना काम करना शुरू कर दिया, राइट। अब उसके बाद हमें दूसरी कैपिटल जो चाहिए होती है, वो चाहिए होती है वर्किंग कैपिटल। अब कहते हैं वर्किंग कैपिटल क्या है, हमने सिंपल सी लाइन में पढ़ा, वर्किंग कैपिटल मींस फंड्स रिक्वायर्ड टू मीट द डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन रिक्वायरमेंट। आपके जो बिजनेस की डेली रूटीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रूटीन रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको फंड करने के लिए, उसकी फंडिंग के लिए जो पैसा चाहिए आपको, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, राइट। अब देखिए आपके पास मशीन आ गई, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास मशीनें आ गई, राइट। आपने स्टाफ रख लिया, अब उस मशीन के लिए आपको, मशीन के लिए आपको बिजली का खर्चा आएगा चलाने के लिए, अब उसको मशीन को चलाने के लिए बंदा चाहिए, राइट। अब उस वर्कर को आप पैसे दोगे, जो सैलरी दोगे, वेजेस दोगे, अब वो चार मशीनें लगी हुई हैं, उसके लिए सुपरवाइजर वगैरह जो स्टाफ रखना पड़ेगा उसको तनख्वाह देनी है, राइट। कमरा जो जगह रेंट पे ली है उसका रेंट पे करना है, राइट। उसके रिलेटेड और कोई रिपेयर वगैरह सर्विस वगैरह करवानी है, कोई सुई वगैरह टूट गई मशीन की, उसमें मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने इंजीनियर को बुलाया, उससे रिपेयर करवाई, मशीन दिखाई, उसने पेमेंट ले ली कुछ, मतलब ये जो सारे सारा काम करने के लिए आपको जो पैसा चाहिए, डे टू डे बिजनेस रूटीन रिक्वायरमेंट को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, राइट। इसी टॉपिक के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर है। अब कोई भी बिजनेस कंसर्न की जो सक्सेस और फेलियर है, मैं तो कहूँगा फिक्स कैपिटल से ज़्यादा डिपेंडेंट होती है वर्किंग कैपिटल के ऊपर, राइट। एक छोटी सी एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे कि सपोज कीजिए आप सूट बूट पहन के गाड़ी लेके घर से निकल पड़े, राइट। आपके आप चल पड़े, आपके पॉकेट में एक रुपया भी नहीं है, गाड़ी लेके बाइक लेके निकल पड़े, आपकी जेब में एक रुपया भी नहीं है, वॉलेट आपका घर पे रह गया, राइट। तो आपकी गाड़ी जो है रास्ते में पंचर हो गई, आपके पास जेब में पैसे नहीं है, तो आपका वहीं पे काम रुक गया और आप ना आगे जाने लायक रहे, ना पीछे जाने लायक रहे, और ना ही वहां पे किसी से मदद मांगने के लिए रहे। तो मतलब क्या हुआ, आपको ऐसे ही बिजनेस में है, आपने बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी, आपने बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी, स्टाफ रख लिया, बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी, एसेट्स आ गई आपके पास, और बिल्डिंग बना ली आपने बहुत अच्छी, पर आपके पास स्टाफ को पैसे देने के लिए आपने मैनेजमेंट नहीं की, दिमाग नहीं लगाया कि आपको टाइमली मैनर में जो इस तरीक को एम्प्लॉई को सैलरी देनी है, वर्कर को वेजेस देने हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, ये सब का आपने मैनेजमेंट नहीं किया। तो आपका स्टाफ, जब आप उसको सैलरी नहीं टाइम पे दोगे, बिजली का बिल टाइम पे नहीं दोगे, आपका मीटर बंद हो जाएगा, मीटर काट लेंगे वो, राइट। तो उसके बाद आपका प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि कुल मिला के जो आपकी रूटीन एक्टिविटी है वो सारी की सारी ठप पड़ जाएंगी। या फिर आप दूसरी चीज ले लीजिए, रॉ मटेरियल की एग्जांपल ले लीजिए, आप अपने सप्लायर से जिससे रॉ मटेरियल परचेज करते थे, आपने उसको टाइम पीरियड दिया, मैं 15 दिन बाद आपको पैसे दे दूंगा, राइट। अब रॉ मटेरियल के लिए आपने परचेज किया, वो कंज्यूम किया, आपने 15 दिन का टाइम दिया था, 15 दिन में आपने उसको, 15 दिन के 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, आपने पैसा नहीं दिया, तो वो अब डिनाई कर देगा, इनकार कर देगा, भैया पहले आप पिछली पेमेंट करो, तभी हम नेक्स्ट जो है ऑर्डर डिलीवर करेंगे। तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस वहीं पे बैठ गया, ठप पड़ गया। तो मतलब करते करते आपके खर्चे उल्टा बढ़ जाएंगे, प्लस आपका जो बिजनेस है वो शट डाउन पोजिशन तक भी पहुँच सकता है, आपकी जो है इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा, इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल की वजह से। तो मतलब क्या हुआ, हमारा जो पूरा वर्किंग कैपिटल का
कॉन्सेप्ट है वर्किंग कैपिटल, जो बिजनेस में एक इम्पॉर्टेंस है, एक ह्यूज लेवल तक रखती है। इसीलिए हर एक बिजनेस कंसर्न को, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, उसके लिए वर्किंग कैपिटल का समझना बहुत ज़रूरी है। वर्किंग कैपिटल की इम्पोर्टेंस को, रेलिवेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो चलिए अब आपको एटलीस्ट वर्किंग कैपिटल का मीनिंग और इम्पोर्टेंस जरूर पता लग गया होगा कि वर्किंग कैपिटल हमारे बिजनेस में क्या रोल रखती है। अब हम बात करेंगे मीनिंग के ऊपर प्रॉपर। पहले मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल क्या होती है, अब प्रॉपर मीनिंग भी आएंगे, मोस्टली वही होगा जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। वर्किंग कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कॉल्ड द ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं प्लस वन से बिजनेस स्टडी में भी कि जो बिजनेस में कैश जो है और वर्क कैश और वर्किंग कैपिटल जो है वो ब्लड का काम करते हैं। वो कैसे? क्योंकि वर्किंग कैपिटल का सर्कुलेशन रुका, वहीं पे आपका बिजनेस रुक गया, ठप पड़ गया, राइट। वर्किंग कैपिटल क्या है? जो आपकी रूटीन एक्टिविटी है, रूटीन एक्टिविटी का प्रोसेस रुका और आपका काम खराब होना शुरू हो गया, राइट। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दूसरा है वर्किंग कैपिटल मींस फंड्स रिक्वायर्ड टू मीट द डे टू डे बिजनेस रिक्वायरमेंट, राइट। वर्किंग कैपिटल मे बी डिफाइंड एज ऑल द शॉर्ट टर्म एसेट्स, ऑल द शॉर्ट टर्म एसेट्स यूज्ड इन द डेली ऑपरेशन। कहते वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होती हैं, जो यूज होती है डेली बिजनेस ऑपरेशन में, डेली बिजनेस ऑपरेशन में जो शॉर्ट टर्म एसेट्स यूज होती हैं, डेली बिजनेस ऑपरेशन में शॉर्ट टर्म एसेट्स कौन सी होती है? करंट एसेट्स। हमें प्लस वन से ही जो टर्मिनोलॉजी होती है पढ़ानी शुरू कर दी जाती है। अब आपको जानकारी होगी, फिर भी मैं फटाफट हल्का सा बता देता हूँ। हमारे पास जैसे हमने पढ़ा, दो तरीके की एसेट्स थी। फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा एक फिक्स एसेट, एक करंट एसेट। फिक्स एसेट में भी जानकारी आप रखते हो कि दो तरीके की होती है, एक होती है टेंजिबल फिक्स एसेट, दूसरी होती है इंटेंजिबल फिक्स एसेट। पहली बात अगर मैं आपको बता दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स एसेट, आप फिक्स एसेट से क्या समझते हैं? फिक्स एसेट का मतलब होता है जो एसेट्स विच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट, विच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट, राइट, फॉर डेफिनेट पीरियड, फॉर सर्टेन पीरियड, एक फिक्स पीरियड के लिए हमें हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती है। पर बेनिफिट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, 5 साल 10 साल 8 साल इतना, राइट। और फिक्स एसेट में दो तरीके की फिक्स एसेट है, एक टेंजिबल एक इंटेंजिबल। टेंजिबल में हमारी फिक्स एसेट में आ जाती हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्स्चर, इक्विपमेंट। उसके बाद आती है जी इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या है? विच कैन नॉट बी टच एंड सीन, विच कैन नॉट बी टच एंड सीन में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, राइट। उसके बाद आता है जी करंट एसेट। करंट एसेट्स क्या होती हैं? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच प्रोवाइड शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स और कन्वर्टेड इन टू द कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज वन ईयर। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेबल इन टू द कैश विद इन ए पीरियड ऑफ वन ईयर, जो आसानी से कन्वर्ट की जा सकती हैं किसमें? करंट एसेट्स में, सॉरी कैश में, राइट। अब ये जो वर्किंग कैपिटल में कौन सी एसेट्स आती हैं, वो एसेट्स आती हैं दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स, जो डेली ऑपरेशन में यूज होती हैं। कैश आपका रोज बदलता है, बैंक बैलेंस रोज चेंज होता है, स्टॉक आपका रोज बदलता है, राइट। डेटर आप सेल करते हो, डेटर कभी किसी ने पैसे दे दिए किसी को, आपने डेटर नई सेल और कर दी, डेटर इंक्रीज हो गए, क्रेडिटर सॉरी अपना कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, डेटर हो गया और बिल रिसीवेबल, राइट। स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, बीआर और लास्ट में प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सभी चीजें कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती हैं। लास्ट है द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू फाइनेंस
करंट एसेट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। जो कैपिटल हमें रिक्वायर्ड है टू फाइनेंस द करंट एसेट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट को फाइनेंस करने के लिए जो पैसा चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। राइट, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर ए फाइनेंस मैनेजर टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल इन बिजनेस कंसर्न। कहते हर एक फाइनेंस मैनेजर को वर्किंग कैपिटल के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, एक कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए वर्किंग कैपिटल के बारे में। उसे इसके सब कुछ पता होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का क्या रोल है, किस हद तक हमें इसका नुकसान हो सकता है। अगर हमने वर्किंग कैपिटल बहुत लो रखी तो क्या नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाई रखी तो क्या नुकसान हो सकता है। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ हो एक्सेस भी बहुत पुअर होती है और बहुत ज़्यादा कम भी गलत होती है, कोई भी चीज़ लिमिट में अच्छी रहती है, ठीक होती है। तो इसीलिए कहते हैं हर एक फाइनेंस मैनेजर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल का उनके बिजनेस पे क्या रोल है। एक चीज़ और आपको बताऊं, जो वर्किंग कैपिटल होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक बिजनेस कंसर्न पे सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता हो। राइट, जैसे कि आप हमारी अगर बात करो, एक सर्विस सेक्टर की बात करो, सर्विस सेक्टर में वर्किंग कैपिटल जो है वो बहुत कम लेवल पे होती है। वर्किंग कैपिटल जो होती है सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि उनका जो पैसा है, उनको जो करंट एसेट्स हैं वो काफ़ी टाइप की जो है उनकी ब्लॉक होती है। जैसे कि उनको डेली वर्कर को पैसे देने के लिए कैश चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, उनका स्टॉक में तीन तरीके का स्टॉक होता है जी, कोई रॉ मटेरियल है, कोई वर्क इन प्रोग्रेस है, कोई फिनिश गुड्स है। उसके बाद उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वो उन्होंने होलसेलर को सेल करेंगे, वो सेल करेंगे होलसेलर को, और वो एक टाइम पीरियड गैप रखेंगे काफ़ी, 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। राइट, फिर जाके एंड में पैसे आएंगे। तो इसका मतलब है जो टाइम गैप होता है कैश टू कैश की जो साइकिल होती है वो सर्विस सेक्टर से ज़्यादा के लिए होती है। सर्विस सेक्टर में क्या है, आपने हमें ऑर्डर दिया कोई सर्विस के लिए, हमने वो डिलीवरी करी, सर्विस प्रोवाइड करी, और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 10 से 15 दिन का जो भी अगर साइकिल है, वैसे तो मोस्टली सर्विसेज आपको होता है एडवांस होती है, पर अगर किसी में कोई बिजनेस टू बिजनेस साइकिल है, कोई बिजनेस टू बिजनेस कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो उसमें हो सकता है मान लो साइकिल भी है, डेटर का जो टेन्योर है और पेमेंट पीरियड है वो है, तो उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन महीना हो जाएगा। राइट, ये तो नहीं होगा उसमें कि भाई पैसा पहले रॉ मटेरियल में ब्लॉक था, फिर रॉ मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल चाहिए आपको, फिर कुछ वर्क इन प्रोग्रेस में है, कुछ फिनिश गुड्स में है, कुछ डेटर में है और कुछ बीआर में। राइट, इसीलिए फाइनेंस मैनेजर को वर्किंग कैपिटल के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है, और नंबर दो, उनको ये पता होना चाहिए हमारे बिजनेस के ऊपर क्या रेलिवेंसी है वर्किंग कैपिटल की। और लास्ट है, वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है, जो हमारे पास एसेट्स हैं, माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं जी, करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल विद इन ए पीरियड ऑफ शॉर्ट टर्म, विच आर पेबल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। दीज आर सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, और अब लास्ट में बोल सकते हो शॉर्ट टर्म लोन्स। ये हमारी करंट लायबिलिटीज होती हैं। राइट, अब इसको करंट एसेट्स को माइनस करंट लायबिलिटी करोगे, ये हमारी क्या आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वर्किंग कैपिटल में
अगर आपको बताएं, वर्किंग कैपिटल आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। वो कैसे? सपोज कीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होती है, राइट। अब सपोज कीजिए फर्स्ट केस में आपकी जो करंट एसेट है वो है 100 रुपीज और करंट लायबिलिटी है 40 रुपीज, तो हमारी वर्किंग कैपिटल हो गई 60 रुपीज। तो ये क्या हुआ, 60 रुपए हमें डे टू डे बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए। सेकंड केस क्या कहता है, करंट एसेट है हमारी 40 रुपीज और करंट लायबिलिटी कितनी है 50 रुपीज, तो वर्किंग कैपिटल होगी माइनस में 10 रुपीज, दैट इज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। तो ये चीज तो क्लियर हुई कि वर्किंग कैपिटल जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब आपको सबसे मेन चीज बताते हैं कि वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव अच्छी है कि नेगेटिव अच्छी है। अब पॉजिटिव कब होगी, व्हेन करंट एसेट, जैसे कि मैंने आपको केस वन में बताया, व्हेन करंट एसेट्स मोर देन करंट लायबिलिटी, राइट। नेगेटिव कब होगी, व्हेन करंट एसेट्स लेस देन करंट लायबिलिटी, या इसका ऑपोजिट बोल सकते हो, करंट लायबिलिटी इज मोर देन करंट एसेट्स, राइट। अब लास्ट सबसे मेन चीज, अब नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, पहले हम बात करते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल है उसकी एडिक्वेसी इन एडिक्वेसी दोनों का क्या रोल, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ता है। अब सपोज कीजिए, अब इसके ऊपर हम जब अगर डिटेल में बात करें अच्छे से कि वर्किंग कैपिटल होनी ना होनी में क्या फर्क है। अगर आपके पास, आपने सेल करी किसी को, आपने सेल करी किसी को, आपके डेटर खड़े हो गए, आपने, आपके दिमाग में है आपसे आपने पैसा लेना है, डेटर आपकी बुक्स में रिकॉर्ड हो गई, डेटर एज एन करंट एसेट। अब करंट एसेट जो है वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, क्योंकि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। अब आपकी एक उम्मीद बन गई कि आपने किसी से पैसे लेने हैं, अब वो पैसे 15 दिन का टाइम दिया, 15 दिन बाद वो पैसे आ जाएंगे। अगर आपने किसी से पैसे लेने ही नहीं है, नंबर दो आपके पास कोई कैश भी नहीं पड़ा, नंबर दो ना तीन आपके पास ना बैंक बैलेंस पड़ा है, राइट, नंबर चार आपके बिजनेस में स्टॉक ही नहीं है, बिजनेस में स्टॉक ही नहीं है, स्टॉक बहुत कम है। अब उससे क्या होगा, स्टॉक नहीं है, कस्टमर आता है, आप कहते हो जी अभी हम लेके आते हैं जी साथ वाली दुकान से, किसी से हमने ऑर्डर किया हुआ है जी आ जाएगा, कस्टमर आपका वेट करेगा, अगर रेगुलर कस्टमर है एक आदमी एक बार वेट करेगा, दो बार वेट करेगा, थर्ड टाइम वो किसी और नई जगह पे चला जाएगा, आपके साथ कस्टमर आपका टूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल जो मेंटेन करनी है वो भी एक रेलिवेंट, एक इम्पॉर्टेंट, एक नेसेसरी थिंग है। वर्किंग कैपिटल जब तक आप मेंटेन नहीं करोगे तब तक आपका जो बिजनेस है, साइकिल जो बिजनेस का है वो नहीं चलेगा, बिजनेस का जो पहिया है वो रुक जाएगा वहीं पर। इसीलिए बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल का साइकिल आपको चलाना ही पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करना ही पड़ेगा और पॉजिटिव करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास स्टॉक ही नहीं है, डेटर ही नहीं है, कैश ही नहीं है, बैंक बैलेंस ही नहीं है, बीआर भी नहीं है, तो आपके पास, आपके बिजनेस में ना आपके पास पैसा पड़ा है, आपकी लायबिलिटी है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल तो तभी है ना, करंट एसेट आपकी क्या है, या तो फिर है
या नहीं है, और अगर है तो लायबिलिटी से ही कम है, आपकी जो पेमेंट्स हैं उससे ही कम है। अगर आपकी, मैंने किसी से पैसे लेने हैं 50 रुपये, या चीज़ें मेरे पास करंट एसेट जो जिससे कैश में कन्वर्ट हो सकता है इजीली, वो मेरे पास पड़ा है 50 रुपये, और मैंने किसी को पेमेंट करनी है, लोगों को पेमेंट करनी है 100 रुपये की, तो ये कैसे मैं अरेंज कर लूँगा? तो मेरे पास अरेंजमेंट जो है इनएडिक्वेट्स हैं, तो उसके लिए मुझे नुकसान भुगतना पड़ेगा फ्यूचर में, और वो नुकसान शटडाउन तक पहुंच सकता है, राइट? तो चलिए, एडवर्सली अफेक्ट्स द प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न। कहते जो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है एडवर्सली अफेक्ट करती है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न को भी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका कस्टमर आके चला गया, सेल आपकी रुक गई, सेल रुक गई तो प्रॉफिट तो आपका ऑटोमेटिकली नीचे चला गया, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं ना। आपने सेल, कस्टमर आया वाया भगवा दिया आप अपने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से। आपका कस्टमर आया आपसे सेल मांग रहा है, गुड्स मांग रहे हैं, आपके पास कह रहे हो कि हमारे पास अभी स्टॉक आया नहीं, अवेलेबल नहीं है, कल तक पहुंच जाएगा, परसों तक पहुंच जाएगा, तो वो आपका क्या हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी का नुकसान हो गया। नंबर टू, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव विद अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। जैसे कि मैंने आपको कहा, आपके पास अगर कैश नहीं है, मेरे पास जेब में कैश नहीं है, मैंने किसी से पैसे नहीं लेने और ना ही मेरे पास स्टॉक पड़ा है, तो मैं बिजनेस किस चीज से कर लूंगा, राइट? वो लॉन्ग टर्म के लिए हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और लास्ट क्या है, विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड फंड्स बिजनेस फर्म्स कैन नॉट यूटिलाइज एसेट्स। अब सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास लिक्विड फंड्स ही नहीं है, लिक्विड फंड्स कौन से होते हैं जी? कैश, बैंक बैलेंस, डेटर, बीआर। जैसे कि आप जानते हो, रेशियो चैप्टर में मैं आपको करवाऊंगा, जो लिक्विड एसेट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, कैश, बैंक बैलेंस, डेटर और बीआर। ये चार चीजें जो हैं हमारी क्या हैं, लिक्विड एसेट्स, और लास्ट में शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये जो पांच चीजें हैं हमारी लिक्विड एसेट्स हैं। लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं, जो इजिली कन्वर्टेबल इंटू द कैश होती है, रेडिली अवेलेबल फॉर कन्वर्टेबल इंटू द कैश। कैश में आसानी से कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर आपके पास लिक्विड फंड्स ही नहीं है, तो आप अपनी एसेट जो हैं, जो आपके पास फिक्स एसेट्स हैं, उसको यूटिलाइज कैसे कर लोगे? जैसे कि सपोज कीजिए, आपकी मशीनरी 1,00,000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर सकती है साल में, पर आपके पास इन एफिशिएंट कैश की वजह से, इन सफिशिएंट कैश की वजह से आपके पास वर्कर को पे करने के लिए पैसे ही नहीं है, और वो वर्कर जो बेचारा डेली की जो मजदूरी दिहाड़ी पर डिपेंड होता है, वो पैसे लेकर जाएगा तो जाके उसके घर में खाना बनेगा, तो वो आपके पास नहीं रुकेगा, वो दूसरी फैक्ट्री में जाके दूसरी जगह पे काम करके अपना पेट पाल लेगा, अपनी फैमिली का गुजारा कर लेगा। तो उससे क्या हुआ, आपकी जो एसेट है, जहां आपका साल में 1,00,000 यूनिट मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी थी मशीन की, वो आप प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाए, राइट? और आपकी बिल्डिंग का रेंट पे करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, कोई रिपेयर वगैरह करवाने के लिए आपके पास कैश की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपकी जो एसेट्स हैं प्रॉपरली एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। तो मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल एडवर्सली अफेक्ट करेगा ही करेगा बिजनेस फॉर्म को, और ये भी कहां तक लेके जा सकता है आपको, शटडाउन तक। जैसे कि मैंने आपको कहा, दो चीजें वर्किंग कैपिटल में शटडाउन तक का रास्ता दिखाती हैं, एक टू हाई वर्किंग कैपिटल, टू लो वर्किंग कैपिटल, या फिर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, राइट? तो चलिए, ये था हमारा वर्किंग कैपिटल में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स
अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल, किन किन चीजों पे जो वर्किंग कैपिटल है वो अफेक्ट करती है। नंबर वन, नेचर ऑफ द बिजनेस। एक कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू नेचर ऑफ बिजनेस इट्स कंडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल देन ए कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज ऑन कैश पेमेंट। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, एक रेलवे कैश पे काम करती है, टिकट बुक करवानी है आपको कैश करवानी पड़ेगी, आपको माल लोड करवाना है पहले पेमेंट की रसीद, फिर सामान रखा जाएगा जी वहां आपका, राइट। तो मतलब क्या हुआ, जो नेचर है बिजनेस का वो मेनली डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल को। आपकी वर्किंग कैपिटल की अमाउंट कितनी होगी, कम होगी, मीडियम होगी, ज़्यादा होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी, ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर, राइट। हाईली डिपेंडेंट ऑन योर नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस का नेचर क्या है, आप किस तरीके की गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो, किस तरीके की आप चीज, फॉर एग्जांपल एक कार मैन्युफैक्चर कंपनी है, कार मैन्युफैक्चर कंपनी है या फिर ट्रक मैन्युफैक्चर कंपनी है। अब इनको बनाने के लिए जो उनका साइकिल होता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। अब इनके लिए आपका जो मटेरियल में पैसा ब्लॉक है, इनका मटेरियल में पैसा ब्लॉक है, रॉ मटेरियल में, फिनिश गुड्स में, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस इनका बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, तो उनको ऑब्वियस है वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा ही रिक्वायर्ड होगी, राइट। तो चलिए नेक्स्ट है, साइज ऑफ बिजनेस। रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लार्जली डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी। बिल्कुल जी, अगर आपका बिजनेस का साइज, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सिर्फ 50,000 यूनिट्स की है और दूसरी एक कंपनी है जिसकी 50 लाख यूनिट बनाने की कैपेसिटी है, तो ऑब्वियस है कि 50,000 वाली को वर्किंग कैपिटल वही और 50 लाख वाले को भी वही, इट इज इम्पॉसिबल। तो मतलब क्या हुआ, जो साइज ऑफ द बिजनेस है ये भी डिटर्मिनेंट है, ये भी अफेक्ट करता है फैक्टर कि आपकी वर्किंग कैपिटल क्या होगी, कितनी होगी, राइट। तो नेक्स्ट है सेल्स पॉलिसी, सबसे इम्पॉर्टेंट। जैसे कि आप जानते हो हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिपेयर, मेंटेनेंस, रेंट, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल्समैन ऑफिस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन और बहुत कुछ। पर क्रेडिट साइड क्या होती है, सिर्फ सेल, अकेली सेल ही सभी खर्चों को संभाल लेती है, अकेली सेल ही सभी चीज़ों को मैनेज कर लेती है और आपको शेयर होल्डर को प्रॉफिट देके, प्रोप्राइटर को, पार्टनर्स को प्रॉफिट देके भी कुछ कर देती, राइट। तो मतलब क्या हुआ कि जो सेल पॉलिसी है वो भी डायरेक्टली अफेक्ट करती है किसको, वर्किंग कैपिटल को। कहते हैं जी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मे वेरी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स पॉलिसी ऑफ द सेम इंडस्ट्री। लॉन्ग टर्म अलाउ टू द कस्टमर टू पे द अमाउंट विल क्रिएट द मोर नीड ऑफ द वर्किंग कैपिटल। भैया हम कस्टमर को अलाउ करते हैं कि आप 5 दिन में हमारे पैसे पे कर दोगे, हमने जो आपको गुड्स सामान बेचा है उधारी, क्रेडिट पे हमने आपको सामान जो बेचा है उसका पैसा 5वें दिन हमारे पास रिसीव हो जाना चाहिए। पर जो सामने वाला हमारा सप्लायर कंपटीटर है वो कहता है हम 5 नहीं 15 दिन का टाइम पीरियड देंगे, तो उसकी जो ऑपरेटिंग कैश, ऑपरेटिंग फंड्स की जो वर्किंग कैपिटल कि जो रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिकली हमारे से 3 गुना हो गई, 200% इंक्रीज हो गई। कहाँ हमारा पैसा ब्लॉक था 5 दिन के लिए, कहाँ सामने वाले का पैसा ब्लॉक है 15 दिन के लिए, तो सीधा ही 300% हो गया जी, 5 कहाँ 15। तो इसका मतलब है उसकी जो वर्किंग कैपिटल है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई, हमारी एज कंपेयर डिक्रीज हो गई,
तो मतलब क्या है, हमारी जो सेल पॉलिसी है वो भी तय करती है कि हमारा कितना वर्किंग कैपिटल होगा और कितनी हमारे को फंडिंग की अरेंजमेंट करने की जरूरत है वर्किंग कैपिटल के लिए। नेक्स्ट है प्रोडक्शन साइकिल। जैसे कि मैंने आपको बात किया कि जो कंपनी की प्रोडक्शन साइकिल का टाइम पीरियड है, ये भी तय करेगा कि भाई आपको कितना पैसा रूटीन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए चाहिए। जैसे कि कहते प्रोडक्शन साइकिल आल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। प्रोडक्शन साइकिल इज अ टोटल टाइम इन्वॉल्व फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द रियलाइजेशन ऑफ सेल्स प्रोसीड। कहते प्रोडक्शन साइकिल डिटरमाइन करता है वर्किंग कैपिटल को, और जो प्रोडक्शन साइकिल क्या है, इज दैट टोटल टाइम इन्वॉल्व फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द सेल्स प्रोसीड। प्रोडक्शन साइकिल क्या होती है, रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर प्रोक्योर करने से लेकर कहां तक, सेल्स प्रोसीड तक का जो टाइम पीरियड इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल, राइट। तो प्रोडक्शन साइकिल भी हमारे वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। नेक्स्ट है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ द लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो हमारी मैनेजमेंट की है, ये भी कहते हैं इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है कि हमारे को वर्किंग कैपिटल का लेवल कितना होना चाहिए। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मीन्स हमारे काम करने की जो हमारे जो इंटरनल स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उसकी जो क्षमता है काम करने की कैपेसिटी है। हमें पता है हम महीने में 5000 यूनिट से ज़्यादा ही नहीं बना पाएंगे, हमारी जो मैनेजमेंट है हैंडल नहीं कर पाएगी इतना काम। तो हम अपनी इंटरनल एफिशिएंसी को देखकर, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को देखकर, काम करने की क्षमता को देखकर ही हम राइट उसको क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल को, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को तय करेंगे। अब इसमें आप सिंपल सी एग्जांपल ले सकते हो कि आप एग्जाम दे रहे हो किसी के भी, सीए सीएस या सीएमए के किसी के भी आप एग्जाम दे रहे हो, उसमें आप क्या करते हो, दो ग्रुप की मान लो इंटरमीडिएट के आप एग्जाम दे रहे हो, आपको ऑप्शन है ग्रुप वन ग्रुप टू। अगर आपकी आपको पता है एफिशिएंसी है कि मैं 8 दिन लगातार जाग सकता हूँ, 8 दिन लगातार स्टडी कर सकता हूँ बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी रुकावट के, तो आप दो ग्रुप के लिए चले जाओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इतने पेपर लगातार 8 नहीं दे पाऊंगा, इतना बर्डन नहीं अपने माइंड पे मैनेज कर पाऊंगा, तो आप एक ग्रुप की तरफ ही जाओगे। तो मतलब क्या है, आप अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता और अपने बर्डन लेने की जो एक लिमिट्स है उसको देख के ही काम आगे तय करोगे, राइट। लास्ट है डिविडेंड पॉलिसी। नेक्स्ट है डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी अफेक्ट्स द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। ए चेंज इन द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी रिक्वायर ए चेंज इन द वर्किंग कैपिटल ऑल्सो। अब ये कैसे जी, वर्किंग कैपिटल का डिविडेंड पॉलिसी के साथ क्या लेना देना। अब देखो जी, जब कंपनी के पास पड़ा था कैश, साथ में हो गया जी प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ, अब कंपनी के शेयर होल्डर सोच रहे हैं जी हमें क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट क्या सोच रही है, डिविडेंड दे देना चाहिए जी शेयर होल्डर को। अगर वो डिविडेंड दे देती है, डिविडेंड इन फॉर्म ऑफ कैश होगा। अब कैश कम हो गया तो आपको कैश, बिजनेस की जो रूटीन रिक्वायरमेंट है उसको अरेंज करने के लिए भी आपको कैश चाहिए। आपको वो रूटीन जो प्रोसेस है उसको चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसका इंतजाम भी करना है आपने। तो आपको डिविडेंड पॉलिसी को देखते हुए भी अपनी वर्किंग कैपिटल तय करनी पड़ेगी। मतलब जो है वर्किंग कैपिटल का जो रोल है उसमें एक डिटरमिनेंट के तौर पे काम करता है कौन, डिविडेंड पॉलिसी भी। डिविडेंड पॉलिसी का भी रिलेशन है इनडायरेक्टली किसके साथ, वर्किंग कैपिटल के साथ।
नेक्स्ट है जी डिग्री ऑफ सीजनेबिलिटी। कंपनीज दैट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग सीजनल मूवमेंट हैव स्पेशल वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम्स इन कंट्रोलिंग द इंटरनल फाइनेंस सेविंग्स दैट मे टेक प्लेस। कहते कंपनी जो बड़े लेवल पर स्ट्रॉन्ग लेवल पर सीजनल मूवमेंट झेलती है उनको क्या है स्पेशल वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम फेस करनी होती है। इन कंट्रोलिंग द इंटरनल फाइनेंशियल सेविंग्स दैट मे टेक प्लेस। अब जैसे कि कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो सीजन वाइज होते हैं, जैसे कि आपको बता दें कि हमारे लुधियाना में हौजरी का बिजनेस ज़्यादा एक बड़े स्केल पे होता है, तो यहाँ पर एक सीजन में एक टाइम पे फर्स्ट सेशन में वो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं, फिर उसको आगे सेल करते हैं और जो डील अपना ट्रेडर है रिटेलर है वो उसको सेल करके बाद में जब उनका टाइम आता है मार्केट में सेल करने का विंटर में सेल करके जो भी रिकवरी होती है वो उनको साथ साथ पे ऑफ करते रहते हैं। तो मतलब क्या है सीजन वाइज उनका पैसा वो मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, पहले गर्मियों में वो क्या करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे और फिर सर्दियों में उसको बेचेंगे स्टॉक करके सर्दियों में बेचेंगे और साथ साथ वो सेल करके उनका पैसा महीने दो महीने तीन महीने में चार महीने में वापस रिटर्न कर देते हैं। तो मतलब वर्किंग कैपिटल सीजन के साथ भी लिंक करता है। ग्रोथ स्टेज एंड डाइवर्सिफिकेशन। ए कंपनी दैट हैज ए डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल। कहते हैं अगर आपका कोई डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम है मतलब आपको लगता है कि हमने आने वाले समय में अपनी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ानी है इंक्रीज करनी है, तो उस केस में क्या होगा एज ए कंपनी ग्रो इट इज लॉजिकल टू एक्सपेक्ट दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। पहले आप 100,000 यूनिट बनाते थे साल में या 120,000 साल में बनाते थे तो महीने में आपको 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन करनी होती थी, तो अब आपने सपोज करो 240,000 की प्रोडक्शन कर दी साल की बढ़ा के, तो आपको क्या करना पड़ेगा अब 240,000 / 12 दैट इज 20,000 यूनिट्स मंथली प्रोड्यूस करने हैं। 20,000 मंथली प्रोड्यूस करने हैं तो 20,000 के हिसाब से वर्किंग कैपिटल रेंज करनी पड़ेगी। तो मतलब साफ है कि आपको जो ग्रोथ स्टेज और डाइवर्सिफिकेशन का प्रोसेस देखते हुए भी वर्किंग कैपिटल की जो इंक्रीज डिक्रीज है वो भी मैनेज करनी होती है, राइट। तो ये हमारा ग्रोथ स्टेज एंड डाइवर्सिफिकेशन था। अब इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारे थे सभी डिटरमिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल या फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को। उसके बाद है जी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल में भी मदद करने वाला है, प्रैक्टिकल में भी मदद करने वाला है। वो कैसे है टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल कौन कौन सी होती है। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। नंबर वन शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी अचीव बाय ए कंपनी। द वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन डिसाइड्स द क्वांटम ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। कहते जो वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन है आपकी प्रोडक्शन का क्वांटिटी लेवल है वॉल्यूम लेवल है वो तय करता है आपकी शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बोला कि अगर आप 120,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो साल के तो आपको 10,000 यूनिट के साथ मंथली जो है सपोज करो मंथ आपको 120,000 के साथ ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट करना है जो भी आपका ऑपरेटिंग साइकिल है। अगर आप 240,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो 240,000 के साथ आपको वर्किंग कैपिटल अरेंज करना है। तो मतलब क्या है वॉल्यूम तय करेगा कि शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल हमें कितनी रिक्वायर्ड है। इट इज ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम वन फर्म टू अनदर, फ्रॉम वन कैश टू इन्वेंट्री, फ्रॉम कैश टू इन्वेंट्री, फ्रॉम इन्वेंट्री टू डेटर एंड फ्रॉम डेटर टू कैश। मतलब क्या है ये क्या है चेंज करता रहता है पहले कैश, कैश से रॉ मटेरियल से क्या होता है आगे
उसमें डेटर में, डेटर से फिर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये हमारी पहले थी शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल क्या है, जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है, और जो क्या है कैश से इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से डेटर, डेटर से कैश में कॉन्टिन्यूसली कन्वर्ट होती रहती है। और सेकंड है लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ फंड्स नीडेड टू कीप ए कंपनी रनिंग इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई डिमांड एट द लोएस्ट पॉइंट। अब इसका मतलब क्या है, पहले लेक्चर पढ़ के मैं आपको बड़े अच्छे से एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल बताता हूं। द साइज ऑफ द परमानेंट वर्किंग कैपिटल वेरी डायरेक्टली विद द साइज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द फर्म। कहते हैं लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करती है, अमाउंट ऑफ फंड्स, अमाउंट ऑफ फंड्स नीडेड टू कीप ए कंपनी रनिंग इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द डिमांड एट ए लोएस्ट पॉइंट। डिमांड को लोएस्ट पॉइंट पे सेटिस्फाई करने के लिए, अब जैसे कि आप सपोज कीजिए किसी लैपटॉप के शोरूम में चले गए, एचपी के शोरूम में चले गए, डेल में चले गए, राइट, या सोनी के चले गए, किसी भी शोरूम में आप गए, आप देखते होगे वहां पर आपको अलग अलग मॉडल के, अलग अलग मॉडल के आपको लैपटॉप देखने को वहां पे मिल जाते होंगे। उन्होंने सामने ही बहुत अच्छे तरीके से सजा के रखे होते हैं, 10 से कम आपको 20 मॉडल आपको दिख जाते हैं वहां पर, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेट्स में, कोई टच स्क्रीन है, कोई इतनी अपना जीबी वाला है, उसको ये उस, किसी की कॉन्फ़िगरेशन कम है, किसी की मीडियम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कैसे है, कोई टच स्क्रीन है, कोई विदाउट टच स्क्रीन है, कोई कन्वर्टेबल है, सब कुछ, राइट। अब वो क्या चीज़ है, वही आपकी लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल है, फिक्स वर्किंग कैपिटल है। अब आपकी वो वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म कैसे हो गई, अब उनको क्या करना पड़ता है, स्टॉक सजा के रखना पड़ता है कि भाई जो भी बंदा देखने आएगा क्या आपको वही वर्किंग कैपिटल, वही सॉरी लैपटॉप पैक करके पकड़ा देते हैं डब्बे में डाल के, आप नहीं लेते, आप उसको नहीं लेते, आप कहते हो डब्बा बंद, आपको लैपटॉप चाहिए, अब पता नहीं ये जी कब का खोला हुआ है, आप वो लैपटॉप कभी भी नहीं लेते, वो मोबाइल कभी भी नहीं लेते जो वहां पे उन्होंने डेमो के तौर पे रखा होता है। अब डेमो के तौर पे अगर मोबाइल शॉप ने या लैपटॉप शोरूम ने जो भी जितने भी बार सैंपल के तौर पे दिखाने को रखे हुए हैं, वो जो है जब तक नेक्स्ट मॉडल नहीं आता, वो मॉडल आउट ऑफ रीच नहीं हो जाता, आउटडेटेड नहीं हो जाता तब तक, या फिर मार्केट में उसकी डिमांड कम नहीं हो जाती तब तक वो अपने शोरूम में, अपने स्टोर में वहां पर रखते हैं दिखाने के लिए, राइट। तो मतलब क्या हुआ, वो जो स्टॉक उन्होंने रखा हुआ है, वो जो स्टॉक मैनेज अरेंज किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल, राइट। जो किस लिए है, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द डिमांड एट ए लोएस्ट पॉइंट, कि भाई इतना कम से कम इतना तो हमारे पास शोरूम में स्टॉक होना चाहिए कि भाई कस्टमर आए, हम उसको सैंपल दिखा दें, सामने वाला कस्टमर सेलेक्ट करके जाता है, वो कहता है जी हाँ जी करवा दो जी, फाइनल करवा दो, आप कहते हो सर ऐसे करो शाम को आ जाना जी, कल सुबह आके ले जाना, तो वो हो सकता है आपकी बात मान जाए कि हाँ सर मैं ठीक है कल ले जाऊंगा। तो मतलब क्या हुआ, आपको एटलीस्ट पॉइंट पे लेवल पर मेंटेन करना ही पड़ता है, राइट। तो नेक्स्ट है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बिल्कुल आसान है जी। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट। जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत में, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब इसमें से खाली क्या बचा है, करंट एसेट। पहले हम बात कर रहे हैं करंट एसेट की। करंट एसेट जो है वो क्या है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल यहां पे बोलते हैं, राइट। अब नेट क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। जो स्टार्टिंग में मैंने बताई आपको वो क्या थी, नेट वर्किंग कैपिटल, राइट। कोई ये भी कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं हुई, नई चीज आपको बताई नहीं।
अब आई एक नई चीज आपके लिए, इनिशियल वर्किंग कैपिटल। अब इनिशियल वर्किंग कैपिटल क्या है? द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड इनिशियल वर्किंग कैपिटल। जो हमें कैपिटल रिक्वायर्ड है कमेंसमेंट के टाइम पे, दीज आर द प्रमोशन एक्सपेंसिज इनकर्ड एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एंटरप्राइज विच इंक्लूड्स इन कॉरपोरेशन फीस। कहते हैं ये मेनली कौन से होते हैं? प्रमोशन एक्सपेंसिज होते हैं। दीज आर द प्रमोशन एक्सपेंसिज इनकर्ड एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। ये जो शुरुआती खर्चे होते हैं हमारे कंपनी, जब हम कोई भी नया बिजनेस, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जब शुरू किया तो वो शुरुआत के जो खर्चे हैं, इनकॉर्पोरेशन के जो खर्चे हैं, रजिस्ट्रेशन के जो खर्चे हैं, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वर्किंग कैपिटल, राइट। नेक्स्ट है रेगुलर वर्किंग कैपिटल। अब रेगुलर वर्किंग कैपिटल क्या है? रेगुलर वर्किंग कैपिटल रिमेन्स ऑलवेज इन द एंटरप्राइज फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन। इट सप्लाइज द फंड्स नेसेसरी टू मीट द करंट वर्किंग एक्सपेंसेस, टू मीट द करंट वर्किंग एक्सपेंसेस, दैट इज फॉर परचेजिंग द रॉ मटेरियल, सप्लाईज, पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका आपका बिजनेस में एसेट्स पूरी आपने बिल्कुल सेटअप कर दी, बिल्डिंग आपने अच्छे तरीके से बना ली, आपने एसेट्स सेटअप कर ली अच्छे से, मशीनरी लगा दी, इनसफिशेंसी ऑफ कैश की वजह से, इनसफिशेंट कैश की वजह से आप अपने वर्कर को पैसे नहीं दे पाए, एम्प्लॉई को सैलरी नहीं दे पाए, तो वही चीज आपकी एक इमेज खराब कर देगी। तो मतलब जो सबसे मेन वर्किंग कैपिटल है वो है रेगुलर वर्किंग कैपिटल, जो आपके रोजाना रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए उसके लिए आप अरेंज करके रखते हो, कुछ सप्लाई वगैरह खरीदते हो, मतलब सप्लायर को पेमेंट वगैरह करते हो, उसके लिए वेजेस वगैरह को, वर्कर्स को वेजेस देने हैं, एम्प्लॉई को, स्टाफ को सैलरी देनी है, या फिर और कोई रूटीन स्टेशनरी वगैरह के लिए खर्चा चाहिए आपको, चाय पानी के लिए पैसे चाहिए, वर्कर जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में उनकी दो टाइम की जो चाय आ रही है उसके लिए पैसा जो चाहिए, वो सारा रेगुलर वर्किंग कैपिटल है, जिसको क्या है सक्सेसफुल बनाने के लिए, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको उसका अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा हर हालत में, राइट। दैट इज कॉल्ड रेगुलर वर्किंग कैपिटल। उसके बाद है फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल इज नीडेड टू मीट द सीजनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। It is used to raise the volume of production. It is used to raise the volume of production by improvement or extension of machinery. कहते हैं ये fluctuating working capital कब हम raise करते हैं, use करते हैं, sorry, to raise the volume of production. Volume of production हमने क्यों बढ़ाई है? Machinery की extension की वजह से, improvement की वजह से, right? जो हमें extra पैसा चाहिए machinery की, या फिर इम्प्रूवमेंट करी है, या फिर हमने एक्सटेंशन करी है, उसकी वजह से हमारी जो पैसा चाहिए एक्स्ट्रा, वो है फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। लास्ट है रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल। रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल क्या होता है? आपको पता है आपको जो पेमेंट्स करनी है मंथली या डेली के, आपको जो छोटे मोटे जो खर्चे हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे रेगुलर वर्किंग कैपिटल की, उसके लिए आपको 5,000 रुपये की जरूरत पड़ती है। क्या आप अपनी जेब में सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज़ ही रखोगे? जी नहीं, आप कुछ एक्स्ट्रा रखोगे। दैट इज कॉल्ड रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल। अब कहीं भी हम कोई चीज लेने के लिए निकलते हैं, हमारे पास, हमें पता है हम जो चीज लेने के लिए जा रहे हैं उसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है, तो क्या आप घर से 100 रुपीज ही लेके चलोगे?
जी नहीं, एक्स्ट्रा लेके चलोगे, रिजर्व एक मार्जिन लेके चलोगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो पैसे जेब में पड़े रहेंगे, राइट, आपके इन हैंड होगा, बैंक बैलेंस इन हैंड होगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ सरप्लस मैनेज करके रखते हैं, अरेंज करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल। एक फिक्स मार्जिन हम मेंटेन करके रखते हैं कि भाई अगर हमारी वर्किंग कैपिटल 10,000 रुपये आई है तो उसका 10% हम एक्स्ट्रा ही रखेंगे, मतलब 10,000 प्लस 10% दैट इज 11,000, 10 नहीं हम 11,000 का वर्किंग कैपिटल रखेंगे। क्योंकि अगर 1,000 रुपये की मान लो कैलकुलेशन हमारी रॉन्ग हो गई, 500-700 रुपये की जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग हो गई, उसकी वजह से हमारे को नुकसान हो सकता है, तो एक समझदार इंसान क्या करेगा, एक मार्जिन लेके चलेगा कि भाई चलो हो सकता है, कहते ना पैसे बढ़ने, कोई आप सामान लेने के लिए जा रहे हो, कोई ऑर्डर के लिए जा रहे हो, परचेजिंग के लिए जा रहे हो, कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, आपका काम वहाँ पर रुक जाएगा ड्यू टू द इनसफिशेंसी ऑफ फंड्स, राइट। तो ये था हमारा लास्ट, रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल। अब बात करेंगे मेन हम वर्किंग कैपिटल का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी चीजें होती हैं वर्किंग कैपिटल में, सबसे पहले करंट एसेट में नंबर वन जो पैसा ब्लॉक है रॉ मटेरियल में, नंबर दो वर्क इन प्रोग्रेस, नंबर तीन फिनिश गुड्स, नंबर चार ट्रेड रिसीवेबल दैट इज डेटर और बीआर, नंबर पांच कैश एंड बैंक बैलेंस रिक्वायर्ड, जो कैश बैलेंस हमें रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। अब आ गया लाइबिलिटीज में, अब क्या क्या कह सकते हो, नंबर वन क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, नंबर टू अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है वो आ जाएगा, नंबर थ्री क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, क्रेडिटर फॉर वेजेस हो सकता है, क्रेडिटर फॉर ओवरहेड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्रेडिटर फॉर अपना इनकम टैक्स कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उसको हम करंट एसेट्स, इसको आप क्या बोलते थे, आप टोटल ऑफ ए को इसको आप बोलते थे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और ये ए माइनस बी जब हो गया ये हमारा क्या हो गया, नेट वर्किंग कैपिटल। अब जब हम वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा इस तरीके से हमारा वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होगा, राइट। तो इसमें हम ये चीज़ें निकालेंगे कि रॉ मटेरियल कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, डेटर कितने हैं और कैश बैलेंस रिक्वायर्ड कितना है। उसमें से हम माइनस कर देंगे ये पेमेंट्स, क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट।